हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नोखा एंटरटेनमेंट। आज आपके लिए इवनिंग टाइम के अंदर बीटल ब्रीड के माशाल्लाह अच्छी क्वालिटी के फी बकरियां लेकर आए हैं। हम आपको ओनर से भी इंट्रोड्यूस कराएंगे। अच्छे बच्चे हैं, अदंत में कुछ छोटे बच्चे किड्स भी हैं, कुछ अदंत मेल भी हैं, कुछ बकरियां भी हैं। हमारे साथ है खुर्शीद अली। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम सलाम। खुर्शीद भाई, आज इस वीडियो का क्या मकसद है थोड़ा बताएं। ये जानवर सोल्ड आउट किए पूना में। पूना महाराष्ट्र में आपने सोल्ड आउट की बिल्कुल लाइन लगा रखी है। काफी अच्छा आपकी वीडियो पे बड़ा रिस्पांस आता है, लोग आपसे बड़े खुश। पिछली बार जो हमने वीडियो डाला था, आपने बड़ी जो बातें की थी जिसके बारे में, उन लोगों ने बड़ा अच्छा रिस्पांस दिया कि खुर्शीद अली भाई बहुत अच्छी बातें कर रहे हैं। तो उसके आपको क्या रिस्पांस रहा, पार्टियों ने क्या आपको मैसेज दिया, थोड़ा हमें बताएं। पार्टियों ने हमारे को मैसेज दिया, भाई अच्छा बोले आप। हाँ हाँ। कि एक दो जाने ने मैसेज दिया था भाई वेट में कुछ गड़बड़ करते हैं, तो मैंने उनको बोला भाई मैंने यहाँ पे बकरेबाजी को सबको अपील कर दी है, भाई थोड़ा सा वेट का ध्यान रखें और जानवरों को भेजे पीपीआर करके। पीपीआर करके कई लोग क्या करते हैं कि वहाँ जंगल से जानवर खरीद लेते हैं, हमारे हनुमानगढ़ वाले जंगल से जानवर खरीद लेते हैं, तो वहाँ ही वीडियो बना के पार्टी से सौदा कर लेते हैं। अच्छा। मैं मानता हूँ भाई वीडियो बना के पार्टी से सौदा तो कर लिया, पर पार्टी को बोलो भाई आपका जानवर आपने सौदा कर लिया, टोकन डाल दिया, लेकिन आपका जानवर पहुँचेगा 10 दिन बाद। उसको बोल देना चाहिए तो 10 दिन में। 10 दिन में क्या, 10 दिन बाद पहुँचाएंगे इनको घर ले जाके पीपीआर करके, वैक्सीनेशन मतलब करके। हाँ, वैक्सीनेशन पीपीआर करके 10 दिन बाद ट्रांसपोर्टिंग करेंगे, मतलब जानवर को सेट करके अच्छी तरह से फिर देना चाहिए। फिर देना चाहिए, बिल्कुल बिल्कुल। कई लोग अपने जो बकरेबाज है भाई हनुमानगढ़ के, ये क्या करते हैं वहीं सौदा करके और दूसरे दिन ट्रांसपोर्ट वाले की गाड़ी तैयार मिलती है। बिल्कुल, गाड़ी तैयार मिलती है तो उस गाड़ी में डाल देते हैं जी। उधर के लोग पैसा डाल देते हैं, गाड़ी में जानवर डाल देते हैं, वहां जाके जानवर मरता है। ट्रांसपोर्टिंग में कोई दिक्कत नहीं है। हाँ हाँ। मैंने अच्छी तरह से पूरा रिक्वायरमेंट किया है कि ट्रांसपोर्टिंग में कोई दिक्कत नहीं है, वहां जाके जानवर मरता है पीपीआर की वजह से। ठीक है, पीपीआर ये लोग पीपीआर नहीं कराते, इस वजह से जानवर मरता है जी। अब पीपीआर करा के भेजना चाहिए जानवरों को। ठीक है, आप दिखाएं अपने जानवर, हम उस बकरी स्टार्ट करेंगे। ये बच्चा देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले बहुत शानदार फ्रेंड्स, ये बच्चा देखिए माशाल्लाह बहुत शानदार कलर पैटर्न का, ब्लैक एंड व्हाइट कलर है, मेरा फेवरेट कलर, पिंक स्किन, अच्छे कानों की लेंथ वाला बच्चा है, अच्छे बॉडी स्ट्रक्चर का। कितनी उम्र होगी आपके हिसाब से इसकी? ये अभी 6 मंथ का है। 6 मंथ का है। क्या वजन आएगा अभी इसका? इसका वजन आएगा 16-17 केजी। 16-17 केजी अंडू बच्चा ना, ब्रीडिंग के लिए दी लिया? ब्रीडिंग के लिए, माशाल्लाह रत्नागिरी में किया है। रत्नागिरी में, माशाल्लाह बच्चा बहुत अच्छा लगा मुझे कलर पैटर्न के हिसाब से, प्योर व्हाइट आइज में है। ठीक है, छोड़ दीजिए वो बकरी, दिखाओ नागरा। फ्रेंड्स बकरी देखिए आप, माशाल्लाह बहुत अच्छे कानों की लेंथ वाली, अच्छे बॉडी फ्रेम वाली। क्या डिटेल पर है जी ये? अभी नए 8 दांत पर है और 36 इंच की हाइट है। ठीक है, और 2 से 2.5 मत किलो डेढ़ लोड डेढ़। ये भी सेल कर दिया आपने? माशाल्लाह बहुत अच्छी बकरी है। एक ये देखिए शेरी, माशाल्लाह वाइट आइज की फीमेल है, शेरा कलर है इसका, अच्छी लंबाई की बकरी है। ये क्या डिटेल पर रहेगी? ये अभी नया 8 दांत है और 36 इंच हाइट है। ठीक है, और 1.5 मत किलो डेढ़ है। 1.5 मत किलो डेढ़ है। ठीक, फ्रेंड्स एक ये देखिए रेड कलर की है, वाइट आइज में है। क्या डिटेल पर है ये? ये अभी नया 8 दांत प्रेस कर रही है, 36 इंच की हाइट है। ठीक है, 2 मत की लोडेड है। 2 मत की लोडेड है। और वो शेरा बच्चा जो है, ये देखिए फ्रेंड्स एक फीमेल, अच्छे फ्रेम की बकरी, व्हाइट आइज, शानदार कान। क्या डिटेल पर है? नया 8 दांत पर है और 38 इंच हाइट है। ठीक है, 2 मत की लोडेड है। 2 मत की, अच्छा दूध वाली फीमेल है। दूध वाली फीमेल है। ठीक है, फ्रेंड्स बच्चा देखिए आप, रेड कलर, शानदार कान, व्हाइट आइज, अंडू बच्चा है ये? हाँ जी। क्या डिटेल पर होगा? ये अभी अदंत है और 25 केजी इसका बॉडी वेट है। ठीक है, ये देखिए फ्रेंड्स शेरा कलर, बिल्कुल यूनिक कलर के अंदर, अच्छी गला पट्टी का बच्चा है, व्हाइट आइज में है, शानदार चमक है। कितनी उम्र होगी? ये अभी 7 मंथ का है। और वजन क्या आएगा? वजन आएगा इसका 28-30 केजी। 28-30 केजी अंडू है ना ये? हाँ, दंत में अंडू। अंडू बच्चा है। ये खाने में आपने क्या दे रखा है अभी? ये पत्ती, हरी पत्ती दे रखी। हरी पत्ती। क्या बेनिफिट है इससे, क्या लगा आपको? आप अनाज भी खिलाते हैं, आप गुवारे का नीरा भी खिलाते हैं, आप ग्रेजिंग भी कराते हैं, हरी पत्ती भी खिलाते हैं, कौन सा सबसे अच्छा लगा?
सबसे अच्छा बेनिफिट हरी पत्ती का है। हरी पत्ती के साथ अनाज भी दिए दें तो और अच्छा रिजल्ट है, ज्यादा अच्छा। चाव से खाएंगे ये? हाँ जी, चाव से बढ़िया खाते हैं, इससे बकरी वेट अच्छा करती है। वेट अच्छा करती है, हाँ जी, ग्रोथ जानवरों की ग्रोथ अच्छी रहती है। अच्छी रहती है हरी पत्ती से, है। तो ऐसे ये तो सोल्ड आउट कर दिया, ऐसे किसी को चाहिए तो मिल जाएंगे? मिल जाएंगे। कॉन्टेक्ट नंबर 84-323-42-357। ट्रांसपोर्ट? ऑल इंडिया। और हमारे नए सब्सक्राइबर के लिए बता दी कि ट्रांसपोर्टेशन में जानवर को खुदा ना खास्ता कुछ हो जाता है तो उसके बारे में आप अगर जानवर हम ट्रांसपोर्टिंग करवाते हैं वहाँ उसके फार्म तक हमारी पहुँचाने की जिम्मेवारी है। अगर उसके फार्म में जानवर जाके मेरी 5 दिन की जिम्मेवारी है, खुदा ना खास्ता जानवर मर जाए, उसको पैसा रिटर्न वापस किया जाएगा जानवर का। अगर वो बोलेगा भाई जान जानवर भेज दो तो जानवर के बदले उसको जानवर मिल जाएगा। फ्रेंड्स ये थे खुर्शीद अली, माशाल्लाह इनका कलेक्शन सोल्ड आउट किया, काफी फतेह की बात कर रहे हैं। इंटरेस्टेड पर्सन वीडियो में दिए हुए नंबर पर कॉन्टैक्ट करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव ए गुड डे।